नमस्कार, मैं ज्योति मिश्रा। मैं खड़ा हूँ जहाँ पूरे भारत के लोग जानते हैं कि दिल्ली में एक ब्रिज बना है, सिग्नेचर ब्रिज। सर, एक बार सिग्नेचर ब्रिज दिखाइए। ये बड़ा अच्छा नई तकनीकी का ब्रिज है। ठीक इसके नीचे जहाँ मैं खड़ा हूँ, एक ऐसा नाला जहाँ आदमी आके किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा। आदमी सोचेगा कि सच में सरकार काम करती है क्या, और पर्यावरण पे बात करने का अधिकार किसने दे दिया सरकार को। क्योंकि इतना बड़ा नाला मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा था। विषैला पानी खड़ा होना बहुत ही मुश्किल काम है। स्वस्थ आदमी अगर आधे घंटे खड़ा रह जाए बीमार हो जाएगा। केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इसके पहले मैं दो लाइन जोड़ दूं कि कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली का जो चुनाव है, शुद्ध वायु के नाम पे हम लड़ रहे हैं, दिल्ली को साफ आबो हवा चाहिए। जबकि केजरीवाल को कहना है, भाजपा का कहना है कि शुद्ध पानी चाहिए दिल्ली को। भाजपा का मुख्य मुद्दा शुद्ध पानी है, और जिस पानी के किनारे हम खड़े हैं, जिस जमुना के किनारे हम खड़े हैं, एक विषैला पानी है। हमको लगता है कि कोई जीव जंतु पीने क्या छू ले तो वो मर जाए, उसको खराब हो जाए उसका स्किन। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अखबारों में कुछ और है, सरकार के दिल दिमाग में कुछ और है, और जो जमुना की सच्चाई है उसके किनारे में खड़ा हूँ। सच बड़ा भयावह है, बहुत तकलीफदायक है, और ये डूब मरने जैसी चीज़ है किसी भी सरकार के लिए, जिनका भी दावा है कि हम काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं ज्योति मिश्रा, सिग्नेचर ब्रिज के ठीक नीचे जमुना के किनारे से। जमुना वही जहाँ पे जमुना को जोड़ के हम कृष्ण को देखते हैं, जमुना वही जहाँ गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, वही यमुना कालिया नाग वाला, वही यमुना जो जीवनदायिनी है। गंगा जी में एक बूंद सीवेज अब नहीं गिर रहा है, तो हम बनारस में यहाँ खड़े हैं शाही नाले पर, और ये देखिए सीवेज की धारा गिर रही है। हम लोग अब गंगा जी को क्या, सीवेज जी को ही सादर प्रणाम कर लेते हैं क्या।